दिल्ली में डीजल जनरेटर पर 15 मार्च तक बैन लगा, अस्पतालों और मेट्रो को बैन से छूट मिली। धनतेरस के दिन सूने रहे देश के बाजार, नोटबंदी और जीएसटी का भारी असर दिखा। झारखंड के सिमडेगा जिले में भूख से 11 साल की बच्ची की मौत, आधार ना होने की वजह से परिवार का राशन कार्ड रद्द हुआ था। ताजमहल पर संगीत सोम के बयान से योगी आदित्यनाथ का किनारा, कहा हमारे लोगों के खून पसीने से ताजमहल बना है, किसने बनवाया ये मायने नहीं रखता। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत, दार्जिलिंग से सुरक्षा बल हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। राजस्थान के अलवर के एसडीएम ने डेयरी मालिक से छीनी सभी 51 गाय वापस करने के आदेश दिए, कथित गौरक्षकों ने गाय छीनकर बीजेपी नेता की गौशाला में भेज दी थी। पनामा पेपर्स का पर्दाफाश करने वाली पत्रकार डैफनी केरुआना की माल्टा में बम ब्लास्ट में मौत, दुनिया के कई बड़े नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश किया था। और क्रिकेटर श्रीशांत को झटका, केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की अपील पर आजीवन बैन लगाया।